काशी नाम के एक गांव में राजू नाम का एक आदमी होटल में काम किया करता था। वो हर प्रकार के व्यंजन अच्छे से बना लेता था, खास करके वो बिरयानी और बिरयानी के सारे प्रकार बहुत अच्छे से बनाता था। राजू के हाथों में जैसे जादू ही था। सभी लोगों को राजू के हाथ की बनाई बिरयानी बहुत पसंद थी। उस होटल का मालिक चंदन बहुत ही लालची और शातिर था। वो अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को फंसाता और पैसे ऐंठता था। उसका होटल अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। इसकी वजह से चंदन राजू पर बहुत खुश था। ग्राहकों की ज्यादा बिरयानी की मांग देखकर चंदन राजू को ज्यादा बिरयानी बनवाने को बोलता और राजू से बहुत ज्यादा काम करवाता था। एक दिन राजू को बहुत तेज बुखार आया और उसके पास खुद का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सुनो, तुम होटल जाकर सेठ जी से कुछ पैसे मांग कर लाओ, बाद में वो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। ठीक है। नमस्ते सेठ जी, मेरी पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, वो आने के बाद लौटा देंगे। भाभी जी, आपको तो पता ही है कि आजकल धंधा कैसे चल रहा है, फिर राजू जब तक काम पर नहीं आएगा तब तक तो मेरा नुकसान ही है ना। ठीक है, अब आप आ ही गई हो तो ये 100 रुपए लेकर किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाइए, जाइए। पत्नी वो 100 रुपए लेकर चली जाती है और सोनार के दुकान पर जाकर अपने जेवर बेच के अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है। जब राजू ठीक हो जाता है तो वो अपनी पत्नी के जेवर ना देख के उसे प्रश्न करता है। पत्नी जो सब हुआ वो उसे बता देती है और रोने लगती है। उस दिन राजू होटल जाता है। आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे भरोसे 15 दिन अपना होटल बंद नहीं रख सकता। मैंने तुम्हारे बदले में कोई और ले लिया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राजू वहाँ से उदास मन से चला जाता है और घर में आकर मायूस होकर बैठता है। क्या हुआ आपको, आए हो तब से मायूस हो, कुछ बोलोगे? अरे जरा चुप भी रहो, यहाँ मेरी नौकरी चली गई है और तुम मायूस होने की बात कर रही हो। क्या आपको उन सेठ जी ने निकाल दिया? आप इतनी मेहनत करते थे, उसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया? हाँ, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या करूँ, और यहाँ पर जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरे मन में एक अच्छी कल्पना आई है, अगर हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो हमारी बिरयानी सबको पसंद आएगी और आपको नौकरी करने की भी चिंता नहीं होगी। वैसे भी आपके हाथों का स्वाद तो लोगों को पता ही है। सब बातें सही है भाग्यवान, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? पत्नी ने अपने बचाए हुए पैसे निकाले और राजू से बोली, ये लीजिए, अब तो कोई चिंता नहीं है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। पत्नी की ये कल्पना राजू को पसंद आती है। वो एक ठेला किराए पर लेता है और पहले दिन एक बर्तन भर के बिरयानी बनाता है। बाजार में एक जगह ठेला लगाकर वो बिरयानी बेचने बैठता है। उसके बिरयानी की सुगंध इतनी अच्छी आती है कि सब लोग उसकी बिरयानी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसकी पूरी बिरयानी जल्द ही खत्म हो जाती है और राजू घर खुशी खुशी लौट जाता है। अगले दिन से राजू थोड़ी ज्यादा बिरयानी बनाता है और अपनी बिरयानी बेच के धीरे धीरे उसे अच्छे दाम भी मिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपना खुद का ठेला खरीद लेता है। देखते ही देखते राजू का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। ये बात चंदन को जब पता चलती है तब चंदन उसके ठेले पर आता है। अरे राजू, कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने होटल में फिर से नौकरी पर रख लूँ, क्या विचार है तुम्हारा? धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मुझे अब आपके यहाँ काम नहीं करना, मेरा यह छोटा सा ठेला ही मेरे लिए अच्छा है, कम से कम इज्जत तो मिलती है। चंदन को जो समझना था वो समझ गया और वहाँ से चला गया। जब राजू उसके होटल में काम किया करता था तब उसका होटल बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन अब राजू ना होने के कारण उसका होटल पहले जैसे नहीं चल रहा था। अपनी लालच की वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ था। इस तरफ अब राजू एक बड़े होटल का मालिक बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था और वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था। राजू अपने गांव में बिरयानी वाला राजू इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए।